छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि राहुल अमेठी से भागकर वायनाड चले गए और भविष्य में भी वह वायनाड से भागेंगे। वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस के नेताओं के दिए गए बयानों को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा देश के प्रमुख नेताओं का अपमान करना है। प्रदेश का जो वातावरण है वो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस में हताशा है, निराशा है, आपसी गुटबाजी के चलते सर फुटोबल की स्थिति बन चुकी है और हार का ठीकरा अभी से वो तलाश रहे कि किसके ऊपर डाला जाए। राहुल गांधी का भी दौरा बन रहा है। राहुल गांधी को पूरे देश ने नकारा है, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है। पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने पदयात्रा की थी और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वो अमेठी से भाग करके वायनाड चुनाव लड़े। पिछली बार अमेठी से वायनाड भागे थे, आने वाले समय में वो वायनाड से भी बाहर की ओर भागेंगे। सुरक्षित सीट तलाशने की उनकी कोशिश जारी है कि किस तरीके से वो अपनी सीट बचा सके। जब उनका बड़ा नेता ही इस स्थिति में है तो बाकी की स्थिति तो और भी गंभीर है। वो तो अपने सीट पर बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर पुलझुल टिप्पणियाँ कर रहे हैं ताकि वो खबरों में बने रह सके।